तो आपका हमारे YouTube चैनल U10 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने चाइनीज आईफोन, फेक आईफोन या अगर आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाकर एक चाइनीज आईफोन बेचा है तो आप कैसे पहचान सकते हैं। हमारे पास एक कस्टमर एक आईफोन लेकर आया था, इसने कहा था कि सर ये आईफोन है, इसकी डिस्प्ले ख़राब हो गई है, फोल्डर टूट गया है, गिर गया है, तो प्लीज़ सर इसे रिपेयर कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि ये एक चाइनीज आईफोन है, ना कि एक ओरिजिनल आईफोन है। सबसे पहले इसकी फिनिशिंग देख लीजिए। सबसे बड़ी बात इसमें दिखता है ये फिनिशिंग इसमें इतनी ज़्यादा है कि ये चाइनीज आईफोन नहीं है। ये वाइट इसका देख लीजिए। सबसे ज़्यादा ये चमकने वाला असली आईफोन का एप्पल लोगो होता है, वो इतनी ज़्यादा चमकता नहीं है। इसे कैमरे का व्यू देख लीजिए, थोड़ा इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें ओरिजिनल मदरबोर्ड है या चाइनीज मदरबोर्ड है। तो ठीक है, हम इसको थोड़ा देख लेते हैं डीपली एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से। एक्चुअली क्या है, आईफोन के लिए स्पेशल स्क्रू ड्राइवर आते हैं। हमने स्क्रू डालिए हैं, सेकंड स्क्रू भी। इसको ओपन कर लेते हैं, पहले से खुला हुआ है इसलिए हम कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने के लिए। आपके सामने देखते हैं, हमने पहले इसको खोल रखा था, ये देख लिए, इसमें इस तरह का मदरबोर्ड है। अब थोड़ा देखते जाइए, ये होम बटन ऐसा है, होम बटन ओरिजिनल आईफोन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये वाइब्रेटर दिया हुआ है, ये कनेक्टर के रूप में दिया हुआ है, ये सिम जैक, ये मेमोरी कार्ड। पहली बात है, एप्पल आईफोन में कभी भी मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं होता। ये सारा फ़ोन मदरबोर्ड चाइनीज आईफोन है। ये लोकल आपको देख सकते हैं, इसमें लोकल बैटरी है। और पीछे देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा लोगो इस तरीके का दिया हुआ है, उभरा हुआ। ओरिजिनल आईफोन में कभी भी इस तरीके का लोगो नहीं होता। ये कैमरा इसमें दिया हुआ है, आप इजी इसे देख सकते हैं। पूरा दिया हुआ है। आपको दिखाना चाहता हूँ कि नॉर्मली आईफोन की बैटरी इस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है। ओरिजिनल आईफोन की बैटरी इस तरीके की होती है, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ है। अभी आपको दूसरी चीज दिखाता हूँ। नॉर्मली एक आईफोन फोल्डर दिखाता हूँ। ओरिजिनल आईफोन फोल्डर इस तरह का होता है, इसमें क्लिप होती हैं इस तरीके की, ये होम बटन इस तरीके का इनबिल्ड होता है। आजकल आईफोन 6 जो एक्स में आ रहे हैं, उसमें वायर निकलकर फिंगरप्रिंट ऑप्शन आता है, उसमें होता है। तो आपके सामने ये हम बताने जा रहे हैं कि नकली आईफोन को कैसे पहचाने। तो ध्यान रखीजिए इन बातों का। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आईफोन को कैसे पहचाने। आप एप्पल की वेबसाइट पर जाकर इसका IMEI नंबर उस पर कॉपी पेस्ट कर इसका IMEI नंबर देख सकते हैं आप। IMEI नंबर है, अगर ये ओरिजिनल होगा तो सही राइट बता देगा, और अगर नहीं होगा तो आपको गलत बता देगा। अगर इनवैलिड आएगा तो यानी कि ये चाइनीज आईफोन है, ठीक है। उसके अलावा भी देख सकते हैं कि चार्जिंग पॉइंट किस तरीके का है। ये हेडफोन जैक दिया हुआ है इसमें, ये फिनिशिंग ज़्यादा है, नॉर्मली इन आईफोन में होता नहीं है। जैसे आप मैं दिखा देता हूँ, एक आईफोन की फिनिशिंग इस तरीके की आयरन बॉडी होती है, इसकी आयरन बॉडी है, इसमें जैक है पूरा है, और देखते जाइए फोल्डर इस तरीके का फिनिशिंग है। और लोगो आप देख सकते हैं कि लोगो इस तरीके का है, ये इतना डीपली शाइन नहीं कर रहा है। कैमरे का लुकिंग देखिए, और ये
आईपी आप देख सकते हैं, इसमें आईएमईआई नंबर लिखा हुआ है। थोड़ा और डीपली देख लीजिए, ये आईएमई नंबर कॉपी पेस्ट आप इजी वे से चेक कर सकते हैं। हमारी पुरानी वीडियो में हम आईफोन देख सकते हैं कि आईफोन का मदरबोर्ड अंदर से कैसा होता है। ये आयरन बॉडी है और इसकी बॉडी देख लीजिए आप। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। आपको मोबाइल या कंप्यूटर से कोई और रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, बाय बाय, सत श्री अकाल।